तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो गाइस, इस वक्त मैं एक ऐसी बाइक चला रहा हूँ जिसके अंदर टायर नहीं है। ये वाली बाइक सिर्फ और सिर्फ अपने रिम के दम पे चल रही है। और तुम लोग सोच रहे हो कि भाई टायर आखिर में फटा तो फटा कैसे। एक्चुअली भाई मैं ये देख सकते हो, ये है एक डर्ट बाइक, और मैं डर्ट बाइक जो है उसको एकदम स्टंट करते हुए चलाता हूँ। मैं चला रहा था भाई, और किसी ने अपनी ऐसी गैलरी पर या फिर तुम लोग कह सकते हो ऐसी बाउंड्री पर कीले लगा रखी थी, और मैंने भाई लैंड किया सीधे इस वाली बाइक को उन्हीं नेल्स के ऊपर, उन्हीं कीलों के ऊपर, जिसकी वजह से मेरी बाइक के दोनों टायर ब्लास्ट हो गए। और ये बाइक मैं तब से ऐसे ही चला रहा हूँ भाई, बहुत दूर मेरी ये बाइक के दोनों टायर खत्म हुए हैं, बट फिर भी गाइज उतनी दूर से मैं इस वाली बाइक को ऐसे ही रगड़ते हुए ही ला रहा हूँ। और देख सकते हो गाइज चल बढ़िया रही है ये इस वक्त भी, बट वही है कि चिंगारी निकल रही है और रोड की ऐसी तैसी हो रही है। देख रहे हो भाई तुम लोग पीछे लाइन बनती जा रही है, कोई अगर मेरा पीछा कर रहा होगा तो वो इजिली कर सकता है मेरा पीछा, ऐसे कौन ही मेरा पीछा करेगा। अभी फटाफट से हम लोग घर आ चुके हैं। एक काम करते हैं, चौक के पास मैजिकल पेंटिंग पैड है ही, उससे जरा टायर बनवाते हैं अपने इस बाइक के। भाई मजा नहीं आ रहा इस बाइक को चलाने में, इस वाली डर्ट बाइक को मैं चलाता हूँ स्टंट करते हुए, और अभी लोग देख रहे हो भाई रगड़ रगड़ के चलाना पड़ रहा है इस वाली बाइक को। इस तरीके से चलाने में कोई फन नहीं है, असली फन तो आता है ऐसी ऊंची ऊंची जगहों से स्टंट बाइक को लेकर या मस्त वाले स्टंट करो, लेकिन ये अभी फिलहाल उस लायक नहीं है। बट फिर भी एक छोटा सा स्टंट तो मैं करके ही रहूंगा, और वो छोटा सा स्टंट है इस वाली पहाड़ के क्लिफ से अपने घर की छत पर लैंड करना। काफी ज्यादा ईजी है ये नॉर्मल बाइक के लिए, बट ये नॉर्मल कहाँ रही, इसके पहिए ही नहीं है, इसके टायर्स ही नहीं है। देखते हैं गाइस हो पाता है कि नहीं, ये इतना सा स्टंट नहीं हो पाएगा भाई, मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, बट फिर भी मैं करके तो रहूंगा। तुम लोग गेस करो यार कमेंट में कितने दिन लगेंगे इसको करने में। बाकी थोड़ा पीछे से आते हैं ताकि थोड़ी स्पीड गेन कर सकूं मैं। अब चलते हैं फुल स्पीड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ओ ऑलमोस्ट हो जाता भाई, थोड़ी सी और स्पीड चाहिए, थोड़ी सी और स्पीड हो जाएगी फिर तो मामला सेट है, बट वही थोड़ी सी स्पीड मिल नहीं पा रही मुझे। ओके ओके, ये फुल स्पीड, कम ऑन, ओपी जंप, ओ ओ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया भाई। चौप देख मेरी बाइक की हालत क्या हो गई है, तब आज सब कल बाइक कबाड़े से उठा कर लाया है कि तेरी जो असली नई वाली बाइक है वही है ये। अबे असली वाली और नई वाली बाइक है ये, कबाड़े से नहीं लाया हूँ। बैठ, टायरों का क्या हाल हो गया भाई, ये वो दोनों टायर्स तो ब्लास्ट हो गए, वो सब छोड़ दू फटाफट से इसे रिपेयर कर। तब मैं रिपेयर कर दू वो कैसे, अबे रिपेयर से मेरा मतलब है फटाफट से तू इसके लिए टायर ड्रॉ कर। यार कलवे मैं क्यों करूँ, मैं करना जल्दी फटाफट यार चौप भाई, मुझे ये बाइक पूरी सही सलामत चाहिए, जल्दी से टायर ड्रॉ कर इसके लिए। यार कलवे तू भी नमूना ही है, जल्दी ड्रॉ कर बढ़िया वाले टायर, स्पाइक्स वाले टायर या बिल्कुल सस्ते लोकल वाले। अरे ड्रॉ ही कर रहा था, थोड़े बढ़िया वाले कर दे, ऑफ रोडिंग वाले टाइप के। ठीक है अभी करता हूँ, रुक जा। तो गाइस यहाँ पर पहुंच चुका है चौप मैजिकल पेंटिंग पैड की स्क्रीन पर, और ये क्या कर रहा है, मैं टायर ड्रॉ ना करूं, जल्दी ड्रॉ कर, जल्दी तो नहीं होगा भाई मुझसे, मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर, और दोनों सेम साइज के ही ड्रॉ करियो। एक बार भाई इससे गाड़ी बनवाई थी चॉप से, दोनों के टायर का साइज ही अलग कर दिया भाई, वो गाड़ी बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके से चल रही थी। बाकी देखते हैं आज किस तरीके से बनाता है, टायर ऑलमोस्ट सेम साइज के ही है। चलो भाई जल्दी जल्दी कर चॉप, मैं कर रहा हूँ भाई कलवे। ये तो तूने सस्ते वाले टायर्स बना दिए, मैं रुक जा भाई बना रहा हूँ डिजाइन वाले भी, तू बड़ा स्लो है यार, मैं स्लो मत बोल कलवे वरना ड्रॉ भी नहीं करूंगा मैं। अच्छा चल चल नहीं है स्लो, अब जल्दी से ड्रॉ कर। गाइस अभी मैं बना रहा हूँ ये कलवे की बाइक के अंदर स्पाइक्स, जो कि कुछ इस तरीके से निकले रहेंगे ताकि ग्रिप अच्छी आ सके और ये टायर बन सके ऑफ रोडिंग वाले टायर। तो अभी फटाफट से ग्रिप बनाते हैं इसकी। अबे जल्दी बना, अबे जल्दी के चक्कर में तेरे टायर खराब हो जाएंगे भाई। चौप यार बड़ा स्लो है तू, अबे ये तू कीलें तो नहीं बना रहा इसके अंदर, अबे ग्रिप के लिए अच्छे वाले टायर बना रहा हूँ मैं। ओके गाइस टाइम लगेगा लगता है, जब तक तुम लोग जाकर यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार। हाँ यार अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बाकी यहाँ पर टायर्स रेडी है, अब इन टायर्स को लेकर आते हैं फटाफट से रियल लाइफ में और लगा देंगे अपनी बाइक के अंदर। लेट्स गो, 3 2 1। सेकेंड भाई चॉप तो डायरेक्ट ही इनको बाइक के अंदर ही ले आ। ठीक है भाई साहब कलवे अभी लेकर आ जाता हूँ, इन द बाइक लिख देता हूँ, फिर तो डायरेक्ट बाइक के अंदर ही आ जाएंगे ये। तो गाइस यहाँ पर इंदा बाइक लिख दिया चॉप ने, अब लेकर आते हैं इसे रियल लाइफ में, लेट्स गो। ओके तो यहाँ पर भाई बाइक के अंदर लिटरली में ये स्पाइक्स वाले ऑफ रोडिंग वाले टायर आ चुके हैं भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा चॉप ने मस्त टायर ड्रॉ किए हैं, सेम साइज के टायर और जो स्पाइक्स बनाए थे भाई वो स्पाइक्स भी आ चुके हैं। अब देखो भाई इस डर्ट बाइक से क्या मजा आएगा स्टंट करने में। अब ये जो स्टंट जो था इस पहाड़ से डायरेक्ट अपने घर की छत पे जाना कितना मुश्किल लग रहा था उस वक्त, ठीक है, बट अब देखो ये कितना ज्यादा इजीली हो जाएगा। कल करके दिखाइयो जरा, ये देख
ये क्या हो गया भाई? कल भैया कोई बात नहीं, एक बार हो जाती है भाई गलती, दोबारा जरा करके दिखा। हाँ अभी करके दिखाता हूँ, वो तो पिछली बार थोड़ा टकरा गया मैं इधर उधर। ये देखो गाइस कितना ज्यादा इजी है, ये देखो भाई कितनी ज्यादा इजीली हो गया डर्ट बाइक से। बट उस वक्त भाई इसके अंदर व्हील्स ही नहीं थे जिसकी वजह से कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अभी तो मजा आता है भाई ऐसी सब बाइकों के अंदर स्टंट करने में। ये देखो भाई एक मस्त वाली बैक फ्लिप, काफी क्रेजी बैक फ्लिप मारी है मैंने ये। और अभी देखो इस तालाब के अंदर मैं फंस चुका हूँ, अब देखो भाई कैसे निकलता हूँ यहाँ से। एक मस्त वाली बैक फ्लिप मारूंगा फिर से। अब आज कल भी जरा करके दिखा, लेट्स गो। बैक फ्लिप तो नहीं लगी बट 360 डिग्री मैंने यहाँ पर कर दिया है। देखा भाई तुम लोगों ने कितना मजा आया, बाकी ठुकती बहुत है ये बाइक। ओ नाइस स्पोर्ट्स कार, छोड़ो यार मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास तो बाइक ही तगड़ी है। वैसे मैं क्या कह रहा था भाई चौप, कितने ज्यादा दिन हो गए यार हम लोगों को कोई गाड़ी या फिर कोई भी चीज ड्रॉ किए हुए, कुछ ड्रॉ करे क्या आज? अब भाई साहब कल बता क्या चाहिए तुझे। रहने भाई तूने तो टायर ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया, मैं खुद ड्रॉ करना चाहता हूँ। कल क्या ड्रॉ करना चाहता है बता तो। मैं एक्चुअली मैं गाइस पहले रुक जाओ यार, गिर के उठ जाने दो। हाँ अब ठीक है। तो मैं कह रहा था कि मॉन्स्टर ट्रक ड्रॉ करे क्या? अरे यार तू हर बार मॉन्स्टर ट्रक ड्रॉ करता है लेकिन मजा नहीं आता, कुछ बढ़िया सा मॉन्स्टर ट्रक ड्रॉ कर कि भाई देखते ही लोगों की हालत खराब हो जाए। अच्छा ये बात कर रहा है तू? मैं बिल्कुल भाई एक बड़ा सा मॉन्स्टर ट्रक, बहुत ही खतरनाक हो जो देखने में। तो ठीक है गाइस आज हम लोग ड्रॉ करेंगे एक ऐसा मॉन्स्टर ट्रक। अबे यार ये तो बिना पहियों की ही बाइक ठीक थी, ऐसे तो मैं बार बार गिर रहा हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था आज हम लोग ड्रॉ करेंगे गाइस एक ऐसा मॉन्स्टर ट्रक जिसको देखकर भाई किसी की भी हालत पतली हो जाए। तो चलते हैं अभी फटाफट से अपने मैजिकल पेंटिंग पैड की तरफ और मैं ड्रॉ करूंगा मॉन्स्टर ट्रक को। तो कल भाई तू ही घर, मैं का मना कर रहा हूँ। चलो गाइस चलते हैं ड्रॉ करते हैं। कलर बता भाई चौप कैसा कलर होना चाहिए? कलर भाई होना चाहिए येलो। अच्छा और साथ में होना चाहिए पिंक। येलो तो तेरा फेवरेट कलर नहीं है, पिंक है तेरा फेवरेट कलर, बट फिर भी मैं आज चाहता हूँ कोई येलो कलर का मॉन्स्टर ट्रक हो। येलो कलर में मजा नहीं आएगा भाई, येलो येलो बहुत हो चुके हैं। लास्ट टाइम ही तो एक बार ड्रॉ किया था रेड एंड येलो कलर का मॉन्स्टर ट्रक। हाँ वो भी सही बात है, येलो नहीं गाइस पिंक एंड ग्रीन कैसा रहेगा कॉम्बिनेशन? हाँ ये भी ठीक रहेगा। चलो गाइस पिंक एंड ग्रीन कलर का मॉन्स्टर ट्रक, खतरनाक सा मॉन्स्टर ट्रक ड्रॉ करते हैं। तो आ चुके हैं गाइस हम लोग अपने मैजिकल पेंटिंग पैड की स्क्रीन पर। फिलहाल तो अब इसको ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि हमारी बाइक पे टायर तो ऑलरेडी आ चुके हैं। आज का जो मॉन्स्टर ट्रक होने वाला है बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है, और मैंने जैसा कि बोला भाई उस मॉन्स्टर ट्रक को देखने के बाद किसी की भी हालत खराब हो जाएगी, ऐसा ही कुछ तो मैं मॉन्स्टर ट्रक बनाने वाला हूँ। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चल भाई चौप कैसा कलर था भाई? पिंक एंड ग्रीन। ओके तो सबसे पहले अपने मॉन्स्टर ट्रक की बॉडी को डिजाइन करना होगा। तो मॉन्स्टर ट्रक, अरे ये ब्लैक कलर कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है। तो अभी सबसे पहले गाइस मॉन्स्टर ट्रक की जो बॉडी है उसको डिजाइन करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होने वाली है, और पिंक एंड ग्रीन कलर ये हमेशा ध्यान में रखना है हमें। बाकी ये है ऊपर का, ये हो जाएगा चलो डोर हो गया ये तो, और ये हो जाएगा गाइस इसका हुड जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। अब भाई कल भी इसमें क्रेजी क्या है भाई, अभी पता चलेगा भाई चौप तुझे। मैंने दिमाग में डिजाइन बहुत ही बेहतरीन वाला तैयार कर लिया है। अच्छा भाई देखते हैं जरा। और यहाँ आपके बाद बारी आती है गाइस पीछे का एरिया ड्रॉ करने की, जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा और फिर इस तरीके से। नाइस बढ़िया लग रहा है भाई, क्या बढ़िया लग रहा है, अभी बनाई क्या इसमें पता चलेगा भाई चौप तुझे, जरा वेट कर तू। तो ये है गाइस इसके साइड वाला एरिया जो कि हम लोग करेंगे ग्रीन कलर का डेफिनेटली, और उसके बाद ऊपर वाला जो एरिया है वो तो हमेशा पिंक ही रहने वाला है क्योंकि पिंक एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन जो बनाना है हम लोगों को। अब इसके बाद ये वाली चीज भी ग्रीन ही रहने वाली है, बाकी जो बची हुई चीजें हैं पिंक एंड ग्रीन के अलावा उन चीजों को हम लोग ब्लैक कर देंगे। क्यों भाई चौप? हाँ ठीक है ब्लैक कर देंगे और क्या। और इसके बाद गाइज अभी बारी है पीछे का ये एक्सल वगैरह डिजाइन करने की। तो ये हो गया और ये हो गया, इसके ऊपर हमें अब इसके साइलेंसर को भी एग्जॉस्ट को भी ड्रॉ करना है। तो एग्जॉस्ट भाई बहुत ही क्रेजी होने वाले हैं इस गाड़ी के। क्यों भाई कल ऐसा क्या होने वाला है एग्जॉस्ट में? वो जब तू भाई आ जाएगा ना जब ये मॉन्स्टर ट्रक रियल लाइफ में, तब तेरे को पता चलेगा कि भाई क्या क्रेजी है इसके एग्जॉस्ट के अंदर। ठीक है भाई साहब कल वे देखते हैं हम लोग भी। और इसके बाद ये इसका आर्च कवर हो जाएगा इस तरीके से, और ये आगे मेटल प्लेट लग जाएगी कुछ इस तरीके से। ओके भाई बढ़िया लग रहा है, ये तो अभी से ही डेडली सा लग रहा है। इसके बाद आगे वाला व्हील इतना बड़ा होने वाला है, और एक और व्हील के अंदर व्हील कुछ इस तरीके का होने वाला है। इसके
इसके बाद पीछे वाला व्हील कुछ ऐसा होने वाला है, और इसके बाद एक और व्हील इसके अंदर ही कुछ इस तरीके का होने वाला है। लेट्स गो। और इसके बाद व्हील को भी हम लोग ग्रीन कलर का ही कर देंगे। सबसे पहले तो अभी कलर भर देते हैं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले पिंक कलर, तो पिंक कलर यहाँ यहाँ यहाँ, और उसके बाद अभी ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर यहाँ। अरे ये कैसा ग्रीन कलर है, ये वाला ग्रीन कलर दो भाई। ग्रीन कलर कुछ यहाँ यहाँ यहाँ, और ये एक्सेल वगैरह में भी ग्रीन कलर भाई। अभी बेहतरीन लग रहा है ये मोशन ट्रक तो सच में ही, अभी जबकि ये 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद ये आगे थोड़ा सा, और आई थिंक अभी ठीक है। अभी बीच वाला जो एरिया है इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, बाकी व्हील्स तो ब्लैक होने ही वाले हैं। अब आती है बारी व्हील्स की, तो व्हील्स को भी गाइज हम लोग ग्रीन ही रखने वाले हैं। तो डायरेक्ट अब ग्रीन कलर की लाइंस ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। भाई आज के तो व्हील्स भी बहुत ही बेहतरीन लगेंगे तुम लोगों को, बस रेडी होने दो मोस्टर ट्रक। उससे पहले गाइस तुम लोग जाकर वीडियो को लाइक कर दो अभी तक लाइक नहीं किया तो, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी तुम लोग जाकर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जाओ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करो। बाकी ये व्हील्स रेडी ऑलमोस्ट। उसके बाद बारी है आगे वो चीज ड्रॉ करने की जिस चीज से भाई कोई भी नॉर्मल बंदा डर जाने वाला है। वो चीज है कुछ इस तरीके की ब्लेड्स, जो कि बहुत ही डेडली होंगी। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि क्या है भाई ये, बट जब ये चीज रियल लाइफ में देखोगे ना तुम लोग भाई, तब पता चलेगा कि भाई क्या ये अलग ही चीज ही है ये तो। तो यहाँ पर ये, और एक और चीज अभी मैंने मिस कर दी है, यहाँ पर ये ब्लैक कलर का होने वाला है। तो चलो ये भी ब्लैक कलर, और इसके बाद ये एग्जॉस्ट भी इसके ब्लैक कलर के, जिसके ऊपर हम लोग शेड कर देंगे ब्लू कलर का। कम ऑन, ओके नाइस। तो यहाँ पर हमारा जो मोशन ट्रैक है गाइस ऑलमोस्ट बस रेडी होने वाला है। तो अभी फटाफट से इसको रियल लाइफ में लेकर आने की बारी आ चुकी है, बाकी थोड़ी बहुत बची हुई चीजें कंप्लीट कर देते हैं, जैसे कि इसके अंदर थोड़ा और डार्क ग्रीन होना चाहिए। ओके बहुत ही बेहतरीन, और थोड़ा व्हील्स में पीछे भी होना चाहिए डार्क ग्रीन। ओके नाइस, अब थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है ये पहले से। अब लेकर आते हैं गाइस इस खतरनाक से दिखने वाले मोस्टर ट्रक को रियल लाइफ में, और देखते हैं कैसा लगता है ये। लेट्स गो, 3 2 1। तो यहाँ पर हमारा मोस्टर ट्रक आ चुका है, और चौप भाई देख रहा है ग्रीन एंड पिंक कलर। भाई कलवे यार, और व्हील्स तो देख इसके कितने खतरनाक है। व्हील्स छोड़, एग्जॉस्ट देख, वो चीज दिखाइए जिससे कोई भी डर जाएगा। वो चीज है गाइस आगे की साइड निकली हुई है ब्लेड्स। भाई इससे कोई भी गाड़ी वाले बंदा डर जाएगा, और लिटरली में किसी की भी गाड़ी को बिल्कुल पिचका सकते हैं, पंचर कर सकते हैं। कलवे वो जो रेड गाड़ी वाला जा रहा है इसको जरा परेशान करियो। ओके ये देखो भाई, भाई कितना ज्यादा ऊंचा उछाल दिया अकेली सिर्फ हमारी गाड़ी ने, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए यार गाड़ी वाले पे। लिटरली में फिर उछाल दिया भाई, कहाँ उछाल दिया, इसकी हालत देखो भाई गाड़ी की। देख रहे हो तुम लोग पावर आगे निकली हुई इन कीलों की कितनी ज्यादा डेडली, और उसकी गाड़ी में ऑलरेडी आग भी लग चुकी है। एक और इस तरीके की टक्कर मारी भाई, उसकी गाड़ी में कुछ नहीं बचा है, उसके व्हील व्हील सब उखड़ चुके हैं। अब तो कोई भी बंदा डरेगा, उसकी गाड़ी को सीधे घर की छत पे फेंक दिया मैंने। कोई भी लॉस सैंटोस में बंदा नहीं है जो हमारी गाड़ी के सामने टिक सकता है, लिटरली में कोई नहीं टिक सकता भाई, इतनी ज्यादा खतरनाक ये वाली गाड़ी है। और ये छोटी सी नैनो वाला पंगा ले रहा है मेरे से। हेलो भाई नैनो वाले, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं टिक पाई, तू क्या कर लेगा है। और यहाँ भाई वो बंदा मान नहीं रहा है कितनी ज्यादा मजबूत है इसकी नैनो तेरी। अरे फिर भी बच गई, अरे फिर इसकी नैनो बच गई, तो छोड़ूंगा नहीं मैं। रुक जा तो रुक जा, ओ भाई छोटी सी गाड़ी लेने का फायदा हो गया उसे, तो निकल गया वो तो बच के। भाई साहब कलवे यार किसी और की गाड़ी उड़ा जरा, ये ले भाई इसकी गाड़ी उड़ा दी भाई, और इसकी गाड़ी को कुछ अच्छा खासा डैमेज नहीं हुआ। एक सेकंड, ये तेरी ऐसी की तैसी, निकल जा भाई कुछ भी कहो, फुल स्पीड में जब ये गाड़ी ठुकेगी ना सामने वाली गाड़ी से तब असली मजा आता है। जैसे कि ये देखो भाई उस गाड़ी की हालत देखो क्या हो चुकी है ऑलरेडी, टूट फूट गई है तो पूरी की पूरी। भाई साहब कलवे काम करता है, लाइन से खूब सारी गाड़ियां लगाते हैं एयरपोर्ट पर, और फिर टक्कर मार के देखते हैं क्या होता है। भाई आइडिया तो मस्त है यार चौप, तो करके देखते हैं फिर। लेट्स गो गाइस, चलते हैं जरा जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ। और उससे पहले वीडियो को लाइक मारो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ ये वाला मोस्टर ट्रक तुम लोगों को कितना डेडली लग रहा है। मेरी तरफ से भाई ये इसको 10 में से 10 नंबर है इस मोस्टर ट्रक को। चौप भाई तेरी तरफ से, मेरी तरफ से कलवे भाई 10 में से 11 नंबर है। तुम लोग बताओ गाइस कमेंट में तुम लोग कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से। बाकी इसको लेकर चलते हैं एयरपोर्ट पर, और गाड़ी को लाइन से लगाकर टेस्टिंग करते हैं। इस गाड़ी की तो कुछ ज्यादा ही बुरी हालत कर दी। तो सामने की तरफ से गाइस एक प्लेन लैंड हो रहा है, और मैं क्या सोच रहा था भाई प्लेन से बढ़िया क्या ही जगह हो सकती है अपने मोस्टर ट्रक को टेस्ट करने की, इसलिए मोस्टर ट्रक वर्सेस प्लेन। और यहाँ पर भाई प्लेन उड़ा दिया मैंने पूरा।
भाई पूरा का पूरा प्लेन ब्लास्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपने इस मॉन्स्टर ट्रक के दम पे। क्या बात है भाई, क्या डेडली है ये। ओ मैं भी निकल गया मॉन्स्टर ट्रक से बाहर और दब गया मैं प्लेन के नीचे, बट प्लेन को पूरा पलट दिया भाई अपने मॉन्स्टर ट्रक ने। भाई साहब यार कल भी क्या डेडली मॉन्स्टर ट्रक हम लोगों ने डिजाइन कर दिया यार। हाँ भाई चौक क्या डेडली मॉन्स्टर ट्रक है ये भाई, प्लेन पूरा उछाल लिया मैंने उधर। ओके अब जरा लाइन से गाड़ियों को लगा दें और जरा टेस्टिंग करते हैं अपने इस मॉन्स्टर ट्रक की, देखते हैं कितना पावरफुल है ये। बाकी व्हील्स तो क्रेजी है इसके। तो यहाँ पर गाइस लाइन से लेकर आ चुका हूँ मैं काफी सारी सुपर कार्स, और अभी थोड़ा पीछे जाते हैं जरा फुल स्पीड में भगाते हैं। भाई एग्जॉस्ट देख रहा है चौक तू, इन आठो एग्जॉस्ट के अंदर से देखना भाई कैसे आग निकलेगी, देख रहे हो भाई तुम लोग। फटाफट से फुल स्पीड में लेकर चलते हैं इस मॉन्स्टर ट्रक को, देखते हैं सामने सुपर कार्स की क्या हालत होती है। और यहाँ पर फुल स्पीड में बहुत ही जोरदार टक्कर, इतनी जोरदार कि हम लोग खुद उछल गए हैं, और वो गाड़ी तो कुछ ज्यादा ही उछल के क्या सक्सेसफुली लैंड किया यार उस गाड़ी ने। ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थग लाइफ हो गया यार उस गाड़ी के लिए। ओके ओके भी वापस से टेस्ट करते हैं। अरे मॉन्स्टर ट्रक अपना उछल जाता है यार। ओके यहाँ पर दो गाड़ियों को उछाल दिया बहुत खतरनाक तरीके से, सारी गाड़ियां लैंड की और ये इतनी बेहतरीन तरीके से। इन स्पोर्ट्स कार की हालत तो बहुत ज्यादा पतली कर दी, इन सारी सुपर कार्स में से, वैसे ये स्पोर्ट्स कार नहीं है सुपर कार्स हैं, सारी सुपर कार्स में सबसे तगड़ी तो ये निकली भाई, उछल के और क्या सक्सेसफुली मस्त वाली लैंडिंग करी है सुपर कार ने। कोई बात नहीं गाइस, तुम लोगों को अगर आज की वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मॉन्स्टर ट्रक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।